तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के ही पहचान गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। इसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियो बन भी चुकी है फ्रेंड्स, पेटीएम का जो एटीएम मशीन आया है उसके बारे में, पर किसी ने फुल नॉलेज नहीं दिया है। बस ये बता दी कि हाँ, एटीएम मशीन आया है, उसको ले सकते हैं। पर भाई, लेने में हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये किन लोगों को मिलेगा, ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, रॉक टेक फ्रेंड्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस, आपका दोस्त, चैनल होस्ट, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप साइड में देख रहे होंगे स्क्रीन, मैंने पेटीएम फॉर बिजनेस अपना ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, पेटीएम बिजनेस पे अकाउंट होना बहुत जरूरी है जिन लोगों को ये मशीन लेने के इच्छुक हैं या जो लेने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, उनका जो है पेटीएम पे जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट है उन पर उसका अकाउंट बना होना चाहिए। और पेटीएम बिजनेस अकाउंट पे कब अकाउंट बन सकता है फ्रेंड्स, जब आपका जो नॉर्मल पेटीएम होता है उस पर आपका फुल केवाईसी से आईडी बना हुआ होगा, तभी आप पेटीएम बिजनेस में अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका फुल केवाईसी पेटीएम अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो आप इसको बिजनेस अकाउंट को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप इस मशीन का लाभ नहीं उठा सकते। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हमने अपना जो है पेटीएम बिजनेस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है कि जो लोग पेटीएम बिजनेस अकाउंट चलाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट क्या होता है। अगर नहीं बनाया अकाउंट तो बना लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट यहाँ पे वन बाई वन करके यहाँ करेंगे तो फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे जो आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर योर मशीन नाउ, तो यहाँ पे होता है एस्केप पेटीएम थ्रो पेटीएम कार्ड मशीन यूजिंग। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो हमें काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। पेटीएम कार्ड मशीन, यहाँ पे रजिस्टर्ड टू गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करना है जिससे आपका फुल केवाईसी पेटीएम बना हुआ होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेने से पहले आप इसका बेनिफिट्स जान लीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें इंस्टेंट रियल सेटलमेंट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है कि आप तुरंत इधर स्वैप करेंगे एटीएम में, एटीएम को स्वैप करेंगे या यूपीआई द्वारा स्वैप करेंगे तो वो आपके डायरेक्टली अकाउंट में सेटल हो जाएगा जो आपका अमाउंट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कस्टमाइज वेस्ट फॉर मार्केट प्लान है, ऑल कार्ड्स, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड वगैरह सारे इसमें एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद आपका जो है पेमेंट सारा ट्रैक हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे आपको इसमें जो है जो हेल्प डेस्क मिल जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम नीचे मशीन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो मशीन यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दो मशीन दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लान फ्रॉम 299 रुपीज पर मंथ। पर फ्रेंड्स ये एक्चुअल में इतना आपको पे नहीं करना, इससे कहीं ज्यादा ही पे करना है, ये विदाउट जीएसटी यहाँ पे दिखा रखा है। अगर आप यहाँ पे 18% जीएसटी इंक्लूड कर देंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 354 रुपीज के समथिंग यहाँ पे ये पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो सारी जानकारी मैं लेके बैठा हूँ फ्रेंड्स, मैंने कस्टमर केयर से बात किया इसके कि हमें ये मशीन लेने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कितना हमें पे करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें मैं नोट डाउन कर रखी हैं फ्रेंड्स। तो हम पहले बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मशीन की, मशीन दो तरह की है, इसमें कौन कौन सी किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स दो मशीन है, यहाँ पे एक देख मशीन है पेटीएम एंड्रॉयड और पेटीएम लिनक्स, तो यहाँ पे दोनों मशीन पेटीएम की हैं, दोनों में बराबर काम होता है, बस फंक्शन थोड़े से फ्रेंड्स चेंज हैं। तो बात करता हूं फ्रेंड्स हम यहां पे पहले पेटीएम एंड्रॉयड की, तो मैं इसकी बात करता हूं फ्रेंड्स। तो ये पेटीएम एंड्रॉयड की जो मशीन है फ्रेंड्स, ये फुली टच स्क्रीन आपको मिल जाएगी, इसमें आपको रोल स्लिप रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप किसी का पेटीएम कार्ड एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर स्वैप करते हैं तो इसमें आप कस्टमर को जो है स्लिप निकाल के दे सकते हैं पेटीएम एंड्रॉयड पे, तो आप यहाँ पे इसकी सुविधा मिल जाती है फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स हम पेटीएम का जो एंड्रॉयड, अगर हमें ये लेने का अगर लेना है तो हमें फर्स्ट टाइम कितना पे करना होगा। हमें फर्स्ट टाइम इस डिवाइस को लेने के लिए फ्रेंड्स हमें 4,099 रुपये जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये मशीन आपके पास आ जाएगी। इसमें आपको एक महीने का रिचार्ज प्लान मिलेगा इंक्लूड इसमें 4,099 रुपये में। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें 590 रुपये मंथली चार्ज देना पड़ेगा, इसमें 18% जीएसटी मैंने इंक्लूड करके बता दिया है, आपको टोटली जो है 590 रुपये इसमें चार्ज देना पड़ेगा मंथली। फर्स्ट टाइम आप 4,099 रुपये पे करके आप ये मशीन अपने शॉप पर लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं और आपको फिर पर मंथ आपको 590 रुपये आपको इसमें रिचार्ज जो है मंथली रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आपका ये डिवाइस काम करेगा। ये फुली वाईफाई से चलता है, इंटरनेट चलता है, इंटरनेट से द्वारा चलता है, वाईफाई से मशीन आपका ये वर्क करता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये लिनक्स की, पेटीएम लिनक्स की, तो इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये जो हमें फर्स्ट टाइम पे करने के लिए मिलेगा तो फ्रेंड्स हमें 2354 रुपये हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे हमें ये मशीन जो पेटीएम लिनक्स है ये मशीन हमें मिल जाएगी। ये इसमें फीचर्स की बात मैं कर लेता हूँ तो ये आपको फुल टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, आपको इसमें कीपैड मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आप रोल यानी कि आप स्लिप नहीं निकाल के दे सकते, ये विदाउट स्लिप के मिलेगा। आप इसमें ओनली कीपैड मिलेगा, फंक्शन आपके सेम है, सेवा आपकी जो है जो क्वालिटी है दोनों में पेटीएम सारे मतलब एटीएम कार्ड सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट ले सकते हैं दोनों डिवाइस से, और इंटरनेट बैंकिंग से भी ले सकते हैं और यूपीआई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस फर्क इतना ही है, अगर आप पेटीएम एंड्रॉयड लेते हैं तो आपको इसमें फुल टच और साथ ही साथ आपको जो है स्लिप निकालने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम पेटीएम लिनक्स की, तो लिनक्स में आपको कीपैड मिलेगा और यहाँ पे आपको स्लिप निकालने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और ये टच स्क्रीन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात तो होगी फ्रेंड्स आपकी मशीन की। उसके बाद फ्रेंड्स हम कार्ड कौन कौन स्वैप कर सकते हैं तो उस पर हमें कितना टैक्स या कितना हमारा जो है चार्ज लगेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स। आप देखते हैं फ्रेंड्स कि जो एटीएम होते हैं फ्रेंड्स वो तीन ही कंपनी के ज्यादातर दिखाई देते हैं, एक रुपए कार्ड, एक वीजा कार्ड और एक मास्टर कार्ड। तो आप जहां पे फ्रेंड्स आप बात करता हूं मैं पहले रुपए कार्ड की, अगर रुपए कार्ड से आप इसमें पेमेंट लेते हैं यानी कि कार्ड स्वैप करते हैं रुपए कार्ड का तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पर आप अगर वीजा और मास्टर कार्ड अगर आप यूज करते हैं इस मशीन में तो आपको 0.4% आपको जो है आपका जो है टीडीएस कटेगा या समझ लीजिएगा चार्ज कटेगा, और प्लस उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड होके, जी हाँ फ्रेंड्स आपको उसमें 18% जो है जीएसटी इंक्लूड होके आपको जो है चार्ज कटेगा फ्रेंड्स। तो आप खुद सोच सकते हैं कि फ्रेंड्स अगर आप वीजा और मास्टर कार्ड यूज करेंगे, दोनों मशीन की बात बता रहा हूँ, दोनों मशीन में आप कोई सी भी मशीन ले सकते हैं पर वीजा और मास्टर कार्ड अगर आप यूज करेंगे फ्रेंड्स तो आपको 0.4% जो है आपका और प्लस 18% जीएसटी दोनों मिलाकर जितना अमाउंट बनेगा उतना आपका चार्ज कट जाएगा सेटलमेंट होने के टाइम पे। तो आप ये मतलब थोड़ा सा मुझे किसका वीक पॉइंट लगा है कि आपको इसमें चार्ज भी देना पड़ेगा, लाइक आप जैसे यूपीआई से पेमेंट करेंगे या क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस यही बताना था, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर केयर से कॉल करके भी आप इसको अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं, नहीं तो आप अपना पेटीएम नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करें उसके बाद अपना रजिस्टर एड्रेस वगैरह मेंशन करके आप इसको मंगा सकते हैं। तो मुझे तो मंगाना नहीं है, बस मुझे बताना था फ्रेंड्स कि इसमें सारी चीजें क्या है, क्या इसकी माँ भारत है फ्रेंड्स।